got for my dance, yeah. बहुत टाइम बाद somebody's come and said कि ऐसे moves आपने कहाँ से सीखे, और मुझे honestly नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ, but मैंने किया है. So I think एक जो एक नया आके feedback मिला है मुझे about the moves I've done, I will take that as the best compliment. कहानी अच्छी थी यार, मतलब कहानी के बिना आई गेस वो हम गाने जो हाई पॉइंट अचीव भी होता ना वो फिर ड्रॉप हो जाता. बट अभी ये थर्ड फोर्थ वीक मतलब चलती जा रही है एंड द फिल्म इज नॉट ड्रॉपिंग इन बिजनेस, विच ओनली गोज टू से दैट द प्रोडक्ट वॉज रियली दैट गुड. आई डोंट नो वेदर यू वॉन्ट टू एक्सपेक्ट इट और नॉट, आई वॉन्ट इट फॉर श्योर. सो आई एम वेटिंग, आई हैव अ क्रिएटिव विच आई ऑलरेडी थॉट ऑफ कि जब 100 क्रॉस कर लेगी तब मैं वो पोस्ट करूँगी. Very ambitious. Of course बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए, बट ये मैं थोड़ी बनाऊंगी. अब जो सर है वो ही बताएंगे कि क्या हो रहा है, बट अगर बनी तो या आई नो आई हर्ड दैट इट्स बिकम अ सुपर डुपर हिट इन पाकिस्तान एज वेल एंड इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी ओवरसीज एज वेल. सो आई एम रियली ग्लैड, या सो आई एम रियली ग्लैड दैट वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ रीच नाउ ग्लोबली. मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट है. जितने रिस्पॉन्स आए हैं, जितने मैसेजेस आए हैं, जितने ट्वीट्स आए हैं, डीएम्स आए हैं, बहुत खुशी है. आई मीन रिएक्शन इतना अच्छा हुआ है फिल्म का, इतना प्रशंसा है कैरेक्टर्स की सबकी, एंड आई एम रियली हैप्पी. मतलब मैं शुरू में थोड़ा सा बहुत वो था कि हेजिटेंट था कि कहीं थिन लाइन थी, कहीं नेगेटिव ना लग जाए कैरेक्टर, ग्रे शेड था, बहुत मैनिपुलेटिव चीज़ें भी कर रहा था सोनू, बट इट ऑल वर्कड आउट यार एंड आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से रिस्पॉन्स आया. अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक लव रंजन सर के पापा ने मुझे दिया था. उन्होंने लास्ट सीन जो फिल्म में है जिसमें मेरा एक आंसू निकलता है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये जो एक आंसू तुम्हारा निकला है ना वो मोती की तरह दिलों को छुएगा सबके, तो उस मोती को संभाल के रखना. आई थिंक बॉक्स ऑफिस रिजल्ट, क्रिटिकल अक्लेम, थैंकफुली हमेशा रिव्यूअर्स मेरी तरफ उन्होंने हमेशा काम की तारीफ की है, ऑडियंस ने भी किया है, बट बॉक्स ऑफिस नंबर बहुत ज़रूरी है एक एक्टर की लाइफ में, जो इस फिल्म से मेरे को मिला है सोनू के टीटू की स्वीटी से. एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोग अभी वो एक बैंकेबल एक्टर की तरह देखते हैं मुझे. आई थिंक मैं एक फिल्म बहुत सारी फिल्में ऐसी, लेकिन अगर एक फिल्म ऐसा कहना चाहूँ तो बर्फी एक फिल्म थी जिसको देख के ऐसा लगा था कि वो कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मज़ा आता. एंड नो डाउट रणबीर कपूर ने तो उन्होंने बहुत ही अच्छी हमेशा से एक्टिंग अच्छी की है, बट एक कैरेक्टर अगर ऐसे पूछना चाहे तो वो बर्फी का रोल होगा. बहुत सारे दोस्त हैं, गिनती के मतलब दोस्त हैं, बहुत सारे नहीं बोलूँगा, जिसमें मैं किसी का टीटू भी हूँ और दूसरे का सोनू भी हूँ. तो एक से मैं सिचुएशन में हेल्प मांगता हूँ, एक से मैं हेल्प देता हूँ एक को, तो वैसा रहा है मेरे साथ, बट इस एक्सटेंड तक मैं कभी गया नहीं हूँ. बट आई एम श्योर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं भी अपने दोस्त को एक खराब मैरिज से बचाने की कोशिश करूँगा. दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी नेवर एक्सपेक्टेड, सो वी रियली रियली एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी हु सीन द मूवी, लव द मूवी. सो थैंक यू टू ऑल. दोनों में इतना रिस्पॉन्स नहीं आया जितना मुझे इस मूवी में आया है, और बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये था
मैं चाहता हूँ कि सारे लड़के ऐसे ही हों, तो मैं भी दुआ करता हूँ कि सारे लड़के ऐसे हों। सर ये क्या है कि देर आर थिंग्स हैपनिंग, देर आर प्रोजेक्ट विच आर हैपनिंग विच विल बी, आपको जल्दी कुछ ना कुछ सुनने मिल जाएगा, बट उस टाइम पे मुझे पता था कि आई शुड लिटिल वेट बिकॉज आई नो लव सर इज मोर लाइक अ बिग ब्रदर टू मी और मेरे मेंटर। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक एडवाइस और वो सारी चीज़ें दी हैं जिसकी वजह से आज भी मैं उसी चीज़ों पे हूँ। सो दैट इज द थिंग एंड आई विल यू जस्ट वेट एंड वॉच एंड वेट फॉर द सरप्राइजेस। लव सर, लव सर, लव सर, लव सर, और किसी को? बेटर होता है और एवरीबडी इज हैप्पी फॉर ईच अदर एंड आई एम इवन हैप्पी दैट व्हाटएवर ही इज डूइंग इज डूइंग सुपर। हेलो सर, कैसे हो? गुड इवनिंग टू यू। पहली चीज तो क्या है ना, व्हेन यू सी अ फिल्म, व्हेन यू शूट यू नो व्हाट यू हैव डन, व्हेन यू सी अ फिल्म यू गेट टू सी अदर्स ऑल्सो। सो आई थिंक वो जो फैमिली कार्तिक नुशरत वी ऑल वर टुगेदर और वो सीन्स देखने में मिला एंड इट वॉज वेरी गुड, इवन एवरीबडी हैज़ परफॉर्म सो गुड दैट आई वॉज ओवरवेल्ड। एट द सेम टाइम आलोक सर, आलोक सर जिन्हों सबने अपने अपने कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो देखने का मजा ही कुछ अलग है। सर वो ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ आपको एक इंसान दे सकता है, वो लव सर।